हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो एसपी हैं लगातार चर्चा में रही, मंडी की एसपी हैं शालिनी अग्निहोत्री, इन्होंने एक पहले 17 तारीख को इनकी अंगूठी चोरी होती है, इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, 23 तारीख को अंगूठी खोजी जाती है नहीं मिलती है और खबर आती है 23 अगस्त को कि उनकी अंगूठी नहीं मिल रही, इसके लिए एक महिला जो वहाँ पर कर्मचारी थी उस पर आरोप लगाती हैं और वो इस ड्रामे में आती है कि उसको अस्पताल भर्ती कराना पड़ता है। शालिनी अग्निहोत्री कुल्लू की एसपी रही हैं, अंगूठी खोजने के लिए जांच दल बैठता है और शालिनी अग्निहोत्री जो हैं वो कहती हैं कि उनकी अंगूठी गायब हुई है, चोरी हुई है, ये वही चांदी और सोने की अंगूठी थी जो उन्हें शादी के समय मिली हुई थी। लेकिन आज जो खबर है उसे सुनेंगे, आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। आप देख रहे हैं पोलटाक, मैं हूं संतोष पांडे। शालिनी अग्निहोत्री इस समय मंडी की एसपी हैं, कुल्लू में एसपी रह चुकी हैं, हमने आपको दिखाया था कैसे उनकी अंगूठी चोरी होती है और अंगूठी चोरी होने के बाद जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट हुआ था उसको लेकर के जांच बैठाई जाती है, डीआईजी रेंज जांच को शामिल होते हैं और उसमें बताया जाता है कि जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। आज खबर यह है कि अंगूठी उनकी दोनों मिल गई है। सवाल यही हो रहा है जिस गेस्ट हाउस में वो रुकी हुई थी वहाँ अंगूठियाँ इतने दिन तक क्यों नहीं मिल पाई, आज सफाई होती है और अंगूठी मिलती है, उसे SUI के टीम के लोग ले जाते हैं और उस अंगूठी को रखते हैं। अब मामला यहाँ से दूसरी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जिस महिला कर्मचारी पर शालिनी अग्निहोत्री की तरफ से जांच की गई, जिसने बताया जा रहा है विषाक्त पदार्थ खाया था और अस्पताल में भर्ती होती है, उसके पति ने जाति सूचक शब्द से सम्मानित करने का अपमानित करने का तरीका जो था उसके खिलाफ उसने शालिनी अग्निहोत्री पर FIR दर्ज कराने की बात कही है। अब आप समझिए कैसे पुलिस की अधीक्षक पुलिस अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री पर एक बड़ा संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अंगूठियां उनकी मिल जाती हैं, उस महिला ने इनके ऊपर जाति सूचक शब्द यूज करने का प्रयोग करने का एक आरोप लगा करके इन पर FIR दर्ज कराने की बात कही है। कुल्लू के दो SP लगातार हमने दिखाया है कि कैसे कुल्लू के SP चाहे वो गौरव सिंह रहे हों चाहे शालिनी अग्निहोत्री रही हों, दोनों लगातार विवादों में रहे और अब विवादों का दायरा बढ़ रहा है। अंगूठी के मामले में जिस तरीके से शालिनी अग्निहोत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरीके से हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने कभी काम नहीं किया होगा और इससे एक बड़ा जो छवि है वो खराब हो रही है हिमाचल प्रदेश की पुलिस की। हमने लगातार हिमाचल प्रदेश की पुलिस की इस तरह की खबरों को दिखाने का प्रयास किया। कुछ दिन पहले की बात है, हमने दिखाया था कैसे जांच बैठती है, लेकिन आज अंगूठी उनकी मिल जाती है। अंगूठी मिलने के बाद जो रिएक्शन है पुलिस अधिकारियों का, पुलिस कर्मियों का, उनका कहना है इससे एक गलत संदेश जाने का प्रयास हुआ है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी अंगूठी चोरी हुई है और उसी रेस्ट हाउस से उनकी अंगूठियाँ बरामद की जाती हैं। दोस्तों, इस तरह से पुलिस अधिकारियों के व्यवहार ने कई बार इस पर ये मुहर लगाया है कि IPS IAS होने के बाद यह तय नहीं हो पा रहा है कि आप उतने ही ब्रिलियंट अधिकारी भी हों जितनी चीज़ें उम्मीद की जा रही हैं। और आप देख रहे हैं पोलटाक, लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कुल्लू की पूर्व SP शालिनी अग्निहोत्री पर जो एक मामला सामने आया है उस पर यही मेरा कहना है कि ऐसे मामलों में सरकारी अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को सावधानी बरतनी चाहिए जिससे किसी के ऊपर गलत आरोप न लगे और चीज़ों को सही तरीके से प्रयोग किया जाए। तो बस इतना ही, लगातार हमारा प्रयास जारी है कि आपको खबरें दिखाई जाएं जो आपको खबरों के पीछे की खबरें देखने को मिलती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।